हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभा किचन। फ्रेंड्स, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट को यूज़ करके घर पर सॉफ्ट इडली बनाने की रेसिपी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसी के साथ परफेक्ट डोसा बैटर को भी घर पर बनाने की रेसिपी को शेयर किया है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पॉन्ज डोसा को घर पर बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। स्पॉन्ज डोसा के साथ आज हम एक चटनी भी बनाएंगे और इस चटनी को हम नारियल के साथ बनाने वाले हैं, तो नारियल चटनी की रेसिपी भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप डोसा राइस लिया है और उसके साथ 1/2 कप उड़द दाल को लिया है। इन दोनों को 4 घंटे के लिए भिगो कर लिया है और अच्छी तरह से अभी वॉश भी कर लिया है। मैं स्पॉन्ज डोसा बनाने के लिए सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट को ही यूज़ करके इस डोसा को बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पर 1/2 कप जितना थिन या थिक पोहा को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ चाहे तो आप 1/2 टीस्पून जितना मेथी दाना को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम उड़द दाल को ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर सारा उड़द दाल को स्टोन ग्राइंडर में डाल दिया है और अभी इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अभी ये उड़द दाल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो अभी हम इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे। उड़द दाल के बैटर को मैंने यहाँ पर इस बर्तन में निकाल लिया है। अभी इसी स्टोन ग्राइंडर में हम चावल को भी ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर थिन पोहा को यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपको 10 मिनट पहले भिगो कर रखना होगा और अगर आप थिक पोहा को यूज़ कर रहे हैं तो उसे करीब 30 मिनट पहले भिगो कर रखना है और उसे भी चावल के साथ ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर अभी ये चावल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो इसे अभी हम उड़द दाल के बैटर के साथ डाल देंगे। अब इन दोनों बैटर को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके हमें यहाँ पर इसे फर्मेंट होने के लिए करीब 10 घंटे के लिए रख देना है और 10 घंटे बाद आप देखेंगे ये बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बैटर अभी थोड़ा सा थिक है। इस बैटर में थोड़ा सा नमक डालकर इस बैटर से आप डोसा बना सकते हैं। मैं इस बैटर में थोड़ा सा पानी को ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर दूँगी। डोसा पैन में मैंने ऑयल लगा लिया है। अभी ये पैन अच्छी तरह से गर्म भी हो चुकी है, तो अभी हम इसमें थोड़े से बैटर को डालकर इस तरह से स्प्रेड करेंगे और गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर अभी मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब इसके ऊपर इस तरह से एक लिड रख देंगे और इसे करीब 5 से 6 मिनट बाद इसके लिड को हटा देंगे और डोसा को भी हम पलटा देंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाएंगे। आप यहाँ पर उड़द दाल के साथ मेथी दाना को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे डोसा का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। डोसा को पलटाने के बाद इसे नीचे से पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से 2 से 3 मिनट में पक जाती है। तो अभी इस डोसा को भी हम निकालेंगे। यहाँ पर अभी मैंने डोसा को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं और इसी तरह से मैंने बाकी का डोसा को भी बनाकर रेडी कर लिया है। अभी इस स्पॉन्जी डोसा के लिए हम नारियल की चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नारियल को लिया है, उसके साथ 3 हरी मिर्च, 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा इमली को लिया है। और अभी इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में डाल दिया है, तो अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके साथ पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे पीसते वक्त हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालने से ये चटनी बहुत ही थिन बनेगी। और अभी इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को मैंने यहाँ पर अभी ग्राइंड कर लिया है, तो चटनी अभी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में मैंने नारियल तेल को डाल दिया है और जैसे ये तेल गर्म हो जाती है हम इसमें राई डालेंगे और उसके साथ उड़द दाल को भी डाल देंगे। और जैसे ही उड़द दाल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें करी पत्ता को डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे स्पून से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को अभी बंद कर देंगे और इस तड़का को अभी हम चटनी में डाल देंगे। तड़का को डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यह हमारी डोसा के लिए चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्पॉन्ज डोसा और ये नारियल की चटनी अभी बिल्कुल तैयार है। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरी तरीके से इस डोसा को बनाएंगे ये डोसा बिल्कुल स्पॉन्जी बनेगी और साथ में ये टेस्टी चटनी भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।